उदयपुर में मावली क्षेत्र में बीती रात चोरी करने आए एक युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद युवक के साथ जमकर मारपीट हुई। लोगों ने लकड़ी और थप्पड़ों से युवक की काफी देर पिटाई की, उससे सच उगलवाया। युवक अपने साथियों के साथ मंदिर में चोरी करने आया था, इसी दौरान ग्रामीणों ने घेरा डालकर पकड़ लिया। यह घटना मावली क्षेत्र के गंदोली खेड़ा गांव की है। दरअसल मावली और नाथ द्वार बॉर्डर की कई गांवों में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। इस गैंग के लोग ज्यादातर मंदिर को अपना निशाना बना रहे थे। बीते सप्ताह में पड़ोसी गांव में चोरी की वारदातों से ग्रामीण पहले से सतर्क थे। सोमवार रात करीब 12 बजे से ग्रामीण गांव में निगरानी बनाए हुए थे। इस दौरान 5 युवक आए और एक कार के कांच फोड़े, उसके बाद हनुमान मंदिर को निशाना बनाते हुए नकदी चोरी की। चोरी के बाद भागते हुए युवक ग्रामीणों ने देख लिया, घेरा डालकर पकड़ने का प्रयास किया। युवक के साथ महिलाएं भी मौजूद थी। इस दौरान चोरों के समूह में एक युवक पकड़े में आ गया, उसके 4 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। उसके बाद युवक को पकड़कर लोगों ने उसकी धुनाई की। करीब 20 मिनट तक उसको थप्पड़ और लाते पड़ती रही। इसके बाद युवक ने बताया कि मावली क्षेत्र में सिंधु गांव का रहने वाला है, प्रकाश और अन्य दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने आया था। युवक ने बताया कि उसकी गैंग द्वारा बीते दिनों में मावली और नाथ द्वारा से जुड़े गांव में 15 से ज्यादा चोरियां की गई है। वही सूचना पर मावली पुलिस भी पहुंची और युवक को ग्रामीणों से छुड़वाया। ग्रामीणों ने बताया कि हनुमान मंदिर की दान पेटी से नकदी चोरी हुई है और कार से लूट की नियत से भी तोड़फाड़ की गई थी। मैंने